नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड है या नहीं है, कैसे हम उसकी ऑथेंटिसिटी को परखेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैं इसमें 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर मैं इसमें डिस्कशन करूंगा जिसके बेसिस पर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं और एक जजमेंट तक तो पहुंच ही सकते हैं कि हाँ भाई, ये कंपनी जिसके साथ हम डील करने जा रहे हैं, वो चाहे मशीन खरीदना है या किसी भी टाइप का, वो ऑथेंटिक है, जेन्यून है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी बिजनेस हो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही मस्ट है गवर्नमेंट के साथ में। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन किस टाइप का होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन। सेकेंड हो गया आपका पार्टनरशिप। थर्ड हो गया आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में LLP भी बोलते हैं। फोर्थ हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन चारों में से किस में वो रजिस्टर्ड है, उसका मोड क्या है? कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो किस मोड में रजिस्टर्ड है, इन चारों में, ये आपको देखना ज़रूरी है। वैसे अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो तो उसको सबसे ज़्यादा हम जेन्यून मान सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, एक बार कंपनी ने खुद को गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन अगर वो बिजनेस रन कर रही है तो उसने क्या क्या सर्टिफिकेट लिए हैं जो कि आज के डेट में बिजनेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको GST का नंबर एक लेना इम्पॉर्टेंट है, और वो खास करके अगर वो कंपनी बड़े लेवल पर काम करिए तो वो वैसे भी मस्ट हो जाता है। बावजूद इसमें एक टैक्स का स्लैब बना हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर वो कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को खरीद या बेच रही है तो उस केस में भी उसको GST लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट इसी में, इसमें ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफाइड कंपनी एक जेन्युइन कंपनी होती है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चूँकि ये कंपनी का जो सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ भारत सरकार की तरफ से ही मिलता है, और इसमें एक उसको प्रॉपर वे में एक डेकोरम होता है, उसको पूरा करना मस्ट होता है, क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन करने वाली कंपनियों को ही दिया जाता है, और जो कंपनियां ले लेती हैं उनको क्वालिटी मेंटेन करना मस्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिसिटी के लिए बेस्ट प्रमाण है अगर कोई भी कंपनी ISO सर्टिफाइड है तो। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरर है तो उसके फैक्ट्री के लाइसेंस होने मस्ट होंगे। इस चीज़ को भी आप देखिएगा कि फैक्ट्री का लाइसेंस उसके पास है या नहीं। फोर्थ, अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, किसी टाइप का ट्रेडर है, तो ट्रेडिंग का लाइसेंस होगा। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेशन का पार्ट। थर्ड हो गया हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस वेरिफिकेशन। आज की डेट में कोई भी कंपनी हो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना तो मस्ट है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका ऑनलाइन में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो आप ऐसे भी समझ लो कि उस कंपनी का कोई खास अभी बढ़िया नहीं चल रहा है। कुछ पुरानी कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, तो नई कंपनियां तो बिल्कुल ही ऑनलाइन होनी ही चाहिए। तो उसमें आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट देखिए, वेबसाइट जेन्यून है कि नहीं, वो आपको एक बार देखने में समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी जेन्यून कंपनीज का वेबसाइट है उसके स्टैंडर्ड, और जो एक फेक टाइप की कंपनियां होती हैं उनके वेबसाइट के स्टैंडर्ड में आपको बहुत कमी दिखेगी। वेबसाइट पर फ़ोन नंबर क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस के पेज में, अबाउट अस का पेज में आप जरूर जाकर देखिए। इस दो चीज़ों पर आपको समझ में आ जाए कि वेबसाइट कैसा है, वेबसाइट कब बना है, ये भी चीज़ देखना ज़रूरी है। सेकेंड हो गया आपका गूगल में आप जाकर उस कंपनी का नाम के साथ स्कैम जोड़कर आप सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ABCD कोई कंपनी है, तो हमने गूगल में जाके सर्च करना है ABCD स्कैम। अगर वो कंपनी रियली में इस टाइप की होगी तो आपको वो दिख जाएंगे। थर्ड हो गया आपको गूगल में रिव्यूज़, उसका देखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, रिव्यू एक ऐसा चीज़ होता है जो कि पब्लिक देते हैं, और अगर गूगल में एक बार वो चला गया तो वो फिर मिटता नहीं है, वो कोई भी नहीं मिटा सकता है, वो सिर्फ गूगल के ही हाथ में होता है। तो कोई भी कंपनी होगी उसका गूगल पे अगर प्रेजेंस होगा ऑनलाइन में, तो उसके वेबसाइट के बेसिस पर वहाँ पे एक रिव्यू ज़रूर होता है। तो आप रिव्यू को थ्रू भी आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी का क्या रहा है। इसके बाद हो गया आपका सोशल मीडिया का जितना भी प्लेटफॉर्म है, खास करके फेसबुक हो गया, और आज के डेट में यूट्यूब हो गया, एक ट्विटर भी हम मान सकते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब, इन दोनों पर आप देखिए जाकर, वहाँ पर भी जाकर आप देखिए कि कंपनी का
क्या परफॉर्मेंस है, वो किस टाइप के पोस्ट वो रेगुलर बेसिस पर डाल रही है या नहीं डाल रही है, या कब से डाल रही है। क्योंकि फेसबुक में भी अगर कोई पोस्ट किसी ने 2011 में डाला था तो उसको वो 2010 नहीं कर सकता, 2011 ही रहेगा। तो इससे भी समझ में आ जाता है कि कंपनी कितने साल पुरानी है। सेकेंड, फेसबुक पर भी आप देखे होंगे कि बहुत जगह रिव्यूज़ का एक ऑप्शन होता है और लोग 4 स्टार 3 स्टार देकर गुड बैड या कुछ भी इस टाइप का कमेंट पास किए हुए होते हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका एक हो गया जितने भी टाइप के क्लासिफाइड वेबसाइट है, जैसे आपका सुलेखा डॉट कॉम हो गया या आपका जस्ट डायल डॉट कॉम हो गया, अगर उस पर ये कंपनी कोई भी कंपनी अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड है, वहाँ भी आपको पब्लिक के रिव्यूज़ दिखेंगे जो कि आपको बताएगी कि वो कंपनी किस टाइप की है। आप इन सारे माध्यम को यूज़ करके आप उस कंपनी का ऑनलाइन रेपुटेशन चेक कर सकते हैं। रेपुटेशन कैसा है ये ऑनलाइन बता देता है, ऑफलाइन तो बहुत लोगों को आपको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन सब कोई बता देता है। फोर्थ हो गया इसमें पेमेंट का मोड। दोस्तों, अगर कंपनी बढ़िया है, अगर कंपनी पुरानी है, तो उस कंपनी का करेंट अकाउंट होगा ही होगा। तो कोई भी कंपनी से अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आप देखिए कि वो पेमेंट के लिए किस मोड को एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें आप ध्यान दीजिए कि उसके कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट है या नहीं है। उस कंपनी के नाम का अगर बैंक अकाउंट है तब तो एक हद तक सही है, क्योंकि करेंट अकाउंट होना आज के डेट में किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसके थ्रू कोई भी बाद में चक्कर होता है तो हम उसको ट्रैकआउट जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में अगर वो सेविंग अकाउंट करके यूज़ कर रहा है तो आप उस टाइप के कंपनीज को अवॉइड कीजिए, अगर आप लंबा या बड़े अमाउंट का परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं तो, खास करके मशीन वगैरह। लास्ट हो गया हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी चाहे ऑनलाइन कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसका बैंक अकाउंट कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो, अपने वेबसाइट पर वो दिखा रहा है, लेकिन हम उसको तब तक यकीन हमें नहीं करना चाहिए जब तक कि हम फिजिकल उसका वेरिफिकेशन ना कर लें। कोई भी चीज़ आज के डेट में बेधड़क आप अगर बड़े अमाउंट का परचेजिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऐसे डायरेक्टली मत कीजिए। अगर आप कोई भी इस टाइप का डील करने के लिए जा रहे हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करिए, जाकर देखिए। सबसे पहला पॉइंट, ऑफिस किस जगह पे लोकेटेड है, ऑफिस का साइज क्या है, ऑफिस का इंटीरियर क्या है, ऑफिस का एड्रेस कितने दिन से उस जगह पे है, ये आपको वहां पे जाने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। नई कंपनी वो एकदम जैसे तैसे होती है, लेकिन अगर वेल मैनेज्ड कंपनी है तो उसका ऑफिस एक बहुत ही मैनेज्ड कंपनी के टाइप से आपको दिखेगा। उसके जो भी स्टाफ होंगे उनका एक ड्रेस कोड होगा, वहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें ऑनर से आप अगर आप मिलेंगे तो जो अगर पुरानी कंपनी है तो उसका ऑनर काफ़ी बढ़िया आपको प्रोफेशनल भी दिखता है। अगर आपको नए ऑनर आपको दिख रहे हैं तो उनमें भी आपको प्रोफेशनलिज्म दिख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे नए ऑनर बेकार ही होते हैं, लेकिन नए ऑनर भी अगर हैं उस कंपनी का तो उसका क्या बातचीत करने का तरीका, उसका बिहेवियर कैसा है, इसी से समझ में आ जाए कि वो आदमी किस लेवल का है, उसे हमारे को डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का क्या साइज है, फैक्ट्री में कितने स्टाफ हैं, क्या प्रोडक्शन है, रियली में प्रोडक्शन अगर वो कर भी रहा है तो उसके प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या है। अब यूं ही कुछ भी कबाड़ धर के प्रोडक्शन किए जा रहा है और हमें उससे मशीन जाके लेना है तो जस्ट अवॉइड दिस। तो ये रहा मेरा 5 पॉइंट, जिसके बेसिस पर आप जरूर आप देख सकते हैं कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्या है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो शायद मैं छूट गया है, आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके करियर के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।